हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फिजनल। मैं पूजा आज आपके लिए लेके आई हूँ एक फ़िश रेसिपी जो कि बहुत ही हेल्दी, टेस्टी और इजी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले ऑयल को थोड़ा हाई फ्लेम में रख दीजिए अच्छे से गर्म होने के लिए, नहीं तो फिश चिपक जाता है। तेल अच्छे से गर्म होने के बाद लेंटिल चंक्स को यानी बड़ी को डालिए फ्राई होने के लिए। अब इसको तब तक फ्राई कीजिए जब तक ये हल्के सुनहरे रंग के ना हो जाए। अब इस बड़ी को अच्छे से फ्राई करने के बाद एक बर्तन में निकाल लेंगे। फिर उसके बाद फिश को डालेंगे फ्राई होने के लिए। जब वो एक साइड में अच्छे से हल्के सुनहरे हो जाए तो फिश को पलट देंगे दूसरे साइड में अच्छे से फ्राई होने के लिए, जब तक वो सुनहरे ना हो जाए। अब फिश अच्छे से फ्राई हो गए हैं, तो मैं इसको एक बर्तन में निकाल लेती हूँ। फिश को निकाल लेने के बाद ब्रिंजल को डालते हैं फ्राई करने के लिए। थोड़ा सा हल्दी देते हैं ताकि अच्छे से कलर हो जाए ब्रिंजल में। जब ब्रिंजल भी फ्राई हो जाए तो उसको निकाल लीजिए। ब्रिंजल निकालने के बाद आलू को डालिए फ्राई करने के लिए। मेरे पास अभी सब कुछ वेजीज अवेलेबल नहीं था तो इसलिए मैं नहीं दे पाई, लेकिन अगर आपके पास कॉलीफ्लावर, बीन्स, परवल, अरबी ये सब होगा तो वो भी आप फ्राई करके ये फिश करी बना सकते हैं। उसमें थोड़ा टेस्ट अच्छा भी लगेगा और वो हेल्दी भी होगा। वैसे ही आलू को भी फ्राई कर लीजिए। आलू फ्राई हो गया है तो जो एक्सेस ऑयल था उसको मैं निकाल लेती हूँ। फिर उसके बाद जीरा डालेंगे तेल में फ्राई करने के लिए। जीरा फ्राई होने के बाद डालेंगे ग्रेट किया हुआ अदरक। फिर उसके बाद डालेंगे मिर्ची। अगर आपको तीखा चाहिए तो ज़्यादा मिर्ची देंगे, नहीं चाहिए तो थोड़ा कम देंगे। जीरा और क्यूमिन मिक्स करने के बाद डालेंगे टमाटर। फिर डालेंगे हल्दी 2 स्पून, धनिया पाउडर 2 स्पून, कश्मीरी मिर्च कलर के लिए। अगर कलर ज़्यादा नहीं चाहिए तो थोड़ा भी दे सकते हैं। फिर उसके बाद डालेंगे गरम मसाला। फिर स्वाद अनुसार सॉल्ट। थोड़ा सा शुगर। इसको मिक्स करने के बाद
बड़ी को ऐड कर लेंगे। ये वही बड़ी है जो मैंने पहले अच्छे से फ्राई कर लिया था। फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स होने के बाद पानी डालेंगे। जितना ग्रेवी आपको चाहिए उतना ही पानी डालिए। पानी डालने के बाद कढ़ाई को ढक दीजिए उबलने के लिए। 5-6 मिनट बाद फ्राई किए हुए फिश को ग्रेवी में डाल दीजिए। फिश को डालने के बाद सब्जी को अच्छे से मिला लीजिए। मिला लेने के बाद 2-3 मिनट के लिए सब्जी को फ्लेम पे रखिए ताकि वो अच्छे से पक जाए। ऐसा करके आप टेस्ट कर सकते हैं कि आपके जो वेजिटेबल है सब पके हैं कि नहीं। का सब कुछ हो गया तो धनिया डालिए और फिर रेडी हो गया आपका डिश फॉर सर्व। Thanks friends for watching my video. Please do like, share and subscribe. इससे हमें बहुत inspiration मिलता है ताकि हम आपके लिए और भी videos ला सकें।